जय श्री कृष्णा। माघ माह भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना और व्रत करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व होता है। आइए षटतिला एकादशी के मौके पर आपको व्रत की कथा और इनके नियमों के बारे में बताते हैं। उपवास और अन्य नियम। यह व्रत निर्जला या फलाहारी दोनों प्रकार से रखा जाता है। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उबटन लगाना, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करना और तिल का दान जैसे 6 काम जरूरी करने चाहिए। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है। उसका पूजन करके संध्या काल में उसी से हवन किया जाता है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्होंने षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने उपवास रखकर मेरी आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने 1 मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे 1 कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उससे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और इस दिन तिल और अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है।